अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना मोहम्मद जुल्कनैन है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है। सरफेस केमिस्ट्री हमारे पास होती है, सरफेस केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं स्टडी ऑफ फेनोमिना अकरिंग एट इंटरफेस, जिसमें हम वो फेनोमिना डिस्कस करते हैं जो हमारे पास इंटरफेस यानी कि सरफेस पे हो रहे होते हैं। उन फेनोमिना को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सही है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडसॉर्प्शन क्या होती है। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि इसमें यहाँ पे डी आ रहा है, इसमें यहाँ पे बी आ रहा है। अब हम इसके मज़ीद जो हैं वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसमें ये डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एडसॉर्प्शन हमारे पास होती क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने हमें यहाँ पर लिखा हुआ है अटैचमेंट ऑफ द मालिक्यूल ऑफ़ द लिक्विड एंड गैस ऑन द सॉलिड सरफेस। जब लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस के ऊपर आगे अटैच कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडसॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक है, ये हमारे पास एक सॉलिड है, तो ये हमारे पास उसकी अपर सरफेस है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सॉलिड है और ये उसकी क्या है, सरफेस है। सही है, जब भी कोई लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल आके इस सरफेस के ऊपर क्या कर दें, अटैच कर दें, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एडसॉर्प्शन। जब लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस के ऊपर आके अटैच कर दें, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एडसॉर्प्शन। जब लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल व्हेन लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल इंटर द बल्क एंड होमोजीनियस सोल्यूशन इज फॉर्म एंड कंपोजिशन रिमेन सेम। जब लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल आके इस बल्क के अंदर चले जाएं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। हमारे पास ये क्या होती है, हमारे पास एक सॉलिड है, ये सॉलिड की सरफेस है, सरफेस के नीचे बाकी क्या होता है, हमारे पास बल्क होता है। सही है, जब हमारे पास कोई लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल आए और वो आके सॉलिड की सरफेस के साथ अटैच कर दे, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एडसॉर्प्शन। लेकिन जब कोई लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल आए वो आके सरफेस के अटैच करने के बजाय बल्क के अंदर चले जाएँ, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास क्या बनता है, होमोजीनियस सोल्यूशन बनता है और कंपोजिशन सेम रहती है, यानी कि हम जिस भी जगह से उठा के पीस को चेक करें तो हमारे पास हर जगह से उसकी कंपोजिशन क्या होगी, सेम होगी। उसके बाद हम देखें एडसॉर्बेट क्या होता है। एडसॉर्बेट वो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल होते हैं जो कि सरफेस के साथ अटैच कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल जो कि सरफेस के साथ अटैच हुए हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, एडसॉर्बेट, इन्हें हम क्या कहेंगे, एडसॉर्बेट। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि एब्जॉर्बेट क्या होते हैं। एब्जॉर्बेट वो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल होते हैं जो कि बल्क के अंदर इंटर हो जाते हैं। ये लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल जो कि बल्क के अंदर इंटर हो गए, इन्हें हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्बेट, इन्हें हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्बेट। उसके बाद हम यहाँ पर बात आती है एडसॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट हमारे पास क्या होते हैं। एडसॉर्बेंट हमारे पास वो सरफेस है जिसके ऊपर लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सरफेस हमने ली थी, ये सरफेस थी हमारी, ये सरफेस थी, ये हमारे पास सरफेस थी जिसके ऊपर आके हमारे पास लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल आके अटैच हुए हैं, इस सरफेस को हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्बेंट, क्योंकि ये वो सरफेस है जिसके ऊपर आके लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाते हैं। और हमारे पास एब्जॉर्बेंट क्या होता है, एब्जॉर्बेंट वो बल्क होता है जिसके अंदर हमारे पास लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल इंटर हो जाते हैं। ये बल्क जिसके अंदर लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल आके इंटर हो गए हैं, इसे हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्बेंट। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे पास सरफेस फिनोमेना होता है, यानी कि वो सरफेस पर टेक प्लेस हो रहा है, और जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन है वो बल्क फिनोमेना है क्योंकि वो बल्क के अंदर टेक प्लेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल जब वो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल आके सरफेस के साथ अटैच हो जाए, उससे हम कहेंगे एडसॉर्प्शन, क्योंकि सरफेस के ऊपर आके अटैच हो रहे हैं, इसलिए हमारे पास क्या है, सरफेस फिनोमेना। जब लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल आके बल्क के अंदर चले जाएँ, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बल्क फिनोमेना होगा। इसमें रेट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता, एडसॉर्प्शन के अंदर रेट यूनिफॉर्म नहीं रहता। वो कैसे नहीं रहता, फॉर एग्जांपल लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल आके सरफेस को क्या कर लेते हैं, ढांप लेते हैं। जब कोई नए मॉलिक्यूल आते हैं उनके लिए इनफ अच्छी तरह से जगह
नहीं बचती, इसलिए हमारे पास एड्सॉर्प्शन का रेट यूनिफॉर्म नहीं होता, लेकिन एब्जॉर्प्शन का रेट हमारे पास यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि हमारे पास लिक्विड गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली आते हैं और वो आके अपनी अपनी जगह ऑक्यूपाई करते रहते हैं और एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते रहते हैं। उसके बाद हम इसकी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल डिस्कस करें कि हमारे पास क्या है। ये एक फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमारे पास कोई भी एक गैस ले लें। फॉर एग्जांपल हमने एक SO2 गैस ली है, ये हमारे पास इस कंटेनर में SO2 गैस है, सही है। अब हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने एनिमल चारकोल डाल दिया। सबसे पहले एनिमल चारकोल डालने से पहले गैस का प्रेशर था 50 ATM। जब हमने एनिमल चारकोल उसके अंदर डाल दिया तो उसका प्रेशर अब कितना रह गया, 20 ATM। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि जो एनिमल चारकोल है, एनिमल चारकोल क्या है, एनिमल चारकोल एक एड्सॉर्बेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एनिमल चारकोल है, ये एक्ट करता है एज ए एड्सॉर्बेंट, तो इसके ऊपर आके SO2 के मॉलिक्यूल आके क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, सही है। तो हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हमेशा उस वक्त होता है जब लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं विद द वॉल ऑफ कंटेनर। जब हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे एनिमल चारकोल की सरफेस पे, तो वो इतने फ्री नहीं होंगे कि वो सरफेस के साथ जाके जो वाल्स कंटेनर की वाल्स के साथ जाके स्ट्राइक कर सकें, तो इसलिए हमारे पास प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। लेकिन हम एब्जॉर्प्शन की एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास टॉवल है, टॉवल के ऊपर हम पानी डालें तो टॉवल को जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो पानी जो है वो टॉवल के बल्क के अंदर चला जाता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन।